दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि भगत सिंह को फांसी दिया गया था, लेकिन इसके बाद उनके लाशों के साथ क्या हुआ था, अगर आप यह जान जाएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, वरना स्किप कर दें। भगत सिंह को बचाने के लिए लोग देश में आंदोलन कर रहे थे और इसी के डर से अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को समय से एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे फांसी दे दिया। लेकिन उन्हें यह भी डर था कि अगर भगत सिंह की लाश लोगों के बीच में जाएगी तो लोग और आक्रोशित हो जाएंगे और हिंसा पर उतर आएंगे। और इसी के डर से अंग्रेजों ने भगत सिंह की लाश को टुकड़ा टुकड़ा करके बोरी में भर दिया और उसके बाद सतलुज नदी के पास ले गए और वहाँ मिट्टी की तेल छिड़क कर जलाने की कोशिश किया, लेकिन आग के लपटे देखकर लोग वहाँ पहुँच गए और अंग्रेजों ने अजल हाल में भगत सिंह की लाश को सतलुज नदी में फेंककर भाग गए। इसके बाद गांव वालों ने भगत सिंह की लाश को एक एक टुकड़ा इकट्ठा किया और विधि पूर्वक जलाया। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मेरा फायदा भगत सिंह के साथ हुए अन्याय को आप लोगों तक पहुँचाना। फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस महान युद्ध के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि यह खबर और लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियो हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें।